everyone, welcome back to my channel Shy Styles. Happy Diwali in advance to all my Shy fam. Diwali ki shopping zoro shoro se chalu hai, hai na. Maine abhi aap logo ke saath share kiya hai mera recent Diwali makeup look. Aur agar aapko ye makeup look acha lag raha hai to ye aap check kar sakte ho maine Instagram pe. Ye bhi maine Diwali ke liye create kiya hai. Like a bright color eyes with a nude color lips. Agar aapko acha lage to aap mere Instagram pe jaake check kar sakte ho. Mera Instagram handle hai shystyles2109. Otherwise link aapko niche mil jayega. So, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली मेकअप सेल हॉल. सेल हॉल क्यों? क्योंकि दिवाली के टाइम पे चल रही है अमेजिंग सेल, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं अप टू 50% ऑफ, 40% ऑफ, लाइक व्हाट नॉट. और बहुत सारे ब्रांड्स पे आपको सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं दिवाली के. सो गाइज, आपको बेस्ट टाइम है शॉप करने का. अगर आपने कुछ आपके प्रोडक्ट्स थे ड्रीम प्रोडक्ट जो आपको लेने थे, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू शॉप, क्योंकि उस पर आपको बहुत अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट्स मिल रहे हैं. सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो ब्रांड शेयर कर रही हूं जो फाइनली आ चुके हैं पर्पल पे, जिसका मैं बहुत टाइम से इंतजार करती थी. तो वो मैं प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा. एंड बाय द वे, अगर ये झुमके आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप बाय कर सकते हो मेरी वेबसाइट शाय स्टाइल से. ओके, सो इफ यू आर वंडरिंग कि मैंने कौन से कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए हैं, तो इस टाइम पे मैंने पहने हैं ये ओल्ड लेंस के रशियन वेलवेट इन द शेड ग्रीन. सो इन्होंने रिसेंट में लॉन्च किया है शेड ग्रीन. इनका वेलवेट ब्राउन एंड वेलवेट ब्लू शेड था जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया अपनी वीडियो में. एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल ग्रीन कलर जो कि बहुत ही वेयरेबल है, बिल्कुल ईची नहीं लगता. मुझे पर्सनली ओल्ड लेंसेज बहुत ज़्यादा पसंद है. सो ये 1 month का पैक है. ओके, सो ये हमारे इंडियन स्किन टोन पे जाएगा. ऐसा नहीं लगेगा कि यार बैम बैम टाइप, नॉट एट ऑल. इट विल लुक ब्यूटिफुल, लाइक आई थिंक ऑल स्किन टोन्स पे अच्छा लगेगा ये. सो ये अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो ओलेंस की वेबसाइट से. लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी. अदरवाइज आप फॉलो कर सकते हो ओलेंस को इंस्टाग्राम पे. और राइट, विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है आपका. सो यहाँ पे है मोस्टली पैक और फिजिशियन फॉर्मूला एंड शुगर के और कुछ मेबलिन के प्रोडक्ट्स. एंड सभी के नए प्रोडक्ट्स हैं. नए इन द सेंस कि वो प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई नहीं किया एक्सेप्ट एक दो को लेके करके. ओके, तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो मेबलिन का है. दिस इज मेबलिन फर्स्ट जीनियस कलर करेक्टिंग पैलेट. सो मेबलिन का मैंने कलर करेक्टिंग पैलेट नहीं यूज किया था. ये है शेड मीडियम. और बहुत जल्दी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं. दिस इज हाउ इट लुक्स, 02 मीडियम, जिसमें आपको ऑरेंज करेक्टर, एक हाइलाइटर, दिस इज अ क्रीम हाइलाइटर, सी बहुत सटल है, एंड एक हल्का सा ऑरेंजी टिंट का आपको अगेन कंसीलर मिल रहा है, दो ब्राइटनिंग कंसीलर, एक डार्क कलर का कंसीलर. सो ये मीडियम स्किन टोन पे बहुत ही अच्छे से जाएगा. और इसके साथ आपको ब्रश भी मिलता है आई थिंक, जो कि काफ़ी अच्छा है. एक टाइप स्पंजी, एक टाइप फ्लैट ब्रश है, जिससे आप प्रोडक्ट पिक कर सकते हो. एंड आई लव दिस हाइलाइटर सो मच. ओके, सो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये. नेक्स्ट है मेबलिन की अगर लिपस्टिक, अगेन लिपस्टिक, नॉट अगर लिपस्टिक. और मैंने मेहंदी लगाई हुई है. सो इट्स अ शाइनी लिपस्टिक, ग्लॉसी लिपस्टिक. सो ये मैंने ग्लॉस के लिए ही लिए. लाइक अगर आपको ग्लॉस नहीं चाहिए, ग्लॉसी लिपस्टिक चाहिए तो आप ले सकते हो. ब्यूटीफुल पिंक न्यूड शेड है ये. आई लव न्यूड शेड, तो इसलिए मैंने पिंक न्यूड शेड को लिया. और ये शेड है न्यूड पिंक. वाओ, मैंने अच्छा कैसे किया, इट्स अ न्यूड पिंक एंड इसका नाम भी न्यूड पिंक है. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ये शुगर का आई क्रियोन. या शुगर का आई क्रियोन, मेरे पास ऑलरेडी इसके 4 या 5 आई क्रियोन हैं जो मैंने अपने प्रीवियस हॉल में शेयर किए थे. एंड दिस इज इन द शेड, विच शेड इज दिस, 03 गार्नेट ग्लिट्स. इट्स अगेन शैम्पेन पिंक कलर. सो मैंने इसे अपने इनर कॉर्नर्स को और वाटर लाइन में अगर आप अप्लाई करते हो, वैसे ऑलरेडी मैंने कुछ और अप्लाई किया. सी, यू कैन सी द डिफरेंस. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल शेड वाटर लाइन को हाईलाइट करने के लिए और यू नो इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट करने के लिए. एक में लगा के दूसरे में नहीं छोड़ना चाहिए ना. ओके, सो ये नेक्स्ट मैंने लिया है. ये क्रियॉन फॉर्म में है और इनको शार्पन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये रिट्रैक्टेबल है. सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. शार्पन में आपका यू नो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है. सो गाइज, आप इसमें ब्लैक शेड, ग्रीन, शैम्पेन, बहुत सारे शेड्स हैं. ब्राउ बोन, फेस को हाईलाइट भी कर सकते हो, नोज क्यूपिड्स, वो बहुत सारे चीज़ों का हाईलाइट कर सकते हो. नेक्स्ट आई हैव दिस मेबलिन का आई शेडो पैलेट इन दी शेड लाइक अर्बन जंगल. व्हाट अ नेम, अमेजिंग. सो बहुत ही अमेजिंग था ये पैलेट. एंड आई थिंक ये मेरा सेकेंड पैलेट है मेबलिन का, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेबलिन इज द न्यूड्स पैलेट है.
ओके सो मैंने अभी तक इसको टच भी नहीं किया एंड इसमें मोस्टली ग्रीनिश काइंड ऑफ अ कलर है. सी ग्रीन 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 एंड दिस ब्लैक ग्रीन एंड देन हाइलाइटिंग शेड है यहाँ पे. सो फॉर श्योर मैं इसे किसी ना किसी लुक में यूज़ करने वाली हूँ. यू नो स्मोकी काइंड ऑफ अ लुक करूँगी तो बहुत सुंदर जाएगा. देन यहाँ पे है मेरे पास ये लॉरियल का लिप लिक्विड लिपस्टिक और इट्स हाँ प्रो मैट लिक्विड लिपस्टिक है. ये है इन द शेड डिफिकल्ट. ओके 358 काउ बॉय और बहुत प्यारा ब्राउन कलर है गाइज. आई टोटली लव दिस शेड. मेहंदी लगाने के बाद ना स्वॉचेस के लिए जगह ही नहीं रह जाती सी. ब्यूटिफुल ब्राउन शेड है. फेयर स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा और अगर आप डस्की और मीडियम हो अगर न्यूड शेड चाहते हो तो ये आप पे बहुत अच्छा न्यूड शेड का वर्क करेगा. एंड कॉस्ट मी 799 बट ऑन डिस्काउंट यू विल गेट सस्ते में. ओके सो नेक्स्ट आई हैव दिस फेसेस कैनेडा का लिक्विड हाइलाइटर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब. सो ये है ऑल टाइम प्रो वे टू ग्लो लिक्विड इल्यूमिनेटर. बहुत ही अच्छा ये हाइलाइटर है. पिंकी सॉर्ट ऑफ इसमें ग्लो है और ये बिल्कुल भी चौकी और चंकी नहीं लगा मुझे. ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. सो या नेक्स्ट आई हैव यहाँ पे मेबलिन की फैशन ब्राउ पेंसिल. डबल साइडेड यू नो परफेक्ट वाला पेंसिल है ये. एक साइड आपको मिलता है पाउडर और एक साइड आपको मिलता है यू नो पेंसिल. सो ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किया था. बहुत अच्छा है. इसे बहुत नेचुरल लुक आता है. आप छोटे छोटे फाइन यू नो आपके ब्राउज के हेयर्स होते हैं उस शेप में भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो. इसकी पेंसिल जो बहुत फाइन है इसलिए ये अभी क्लोज है सील्ड है. मैं इसे ओपन भी नहीं कर रही हूँ. नेक्स्ट यहाँ पे है मेरे पास दो पैक के ब्रशेज गाइज. पैक के ब्रशेज बहुत ज़्यादा अच्छे मेकअप ब्रशेज हैं बट दे आर लिटिल बिट कॉस्टली. लाइक लुक एट दैट. ये ब्लेंडिंग ब्रश है एंड मुझे ब्लेंडिंग ब्रश बहुत ज़्यादा पसंद है. अगर आपको पता है कि हाँ भाई मेकअप करने के लिए आई मेकअप करने के लिए आपकी ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसकी वैल्यू समझ जाओगे कि आपको ब्लेंडिंग ब्रश जितने भी हों उतने कम लगते हैं. एंड इट्स अ टेपर्ड टेपर्ड यू नो ब्लेंडिंग ब्रश और ये है पैक 028. नेक्स्ट यहाँ पे है मेरे पास ब्राउ ब्रश जो कि ऑलरेडी पैक्ड है और ये है पैक 371 ब्रश. तो ये दो पैक के ब्रशेज हैं. अभी मेरे पास पैक के और भी प्रोडक्ट्स हैं शायद. ओके नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे पास पैक के आई लैशेज. यहाँ पे दो पैक की आई लैशेज हैं यार और एक है M76 जो कि मिंक लैशेज है. बहुत ही ब्यूटीफुल है. पार्टी काइंड ऑफ अ लुक. एक थोड़ी सी नेचुरल सटल टाइप है और ये है पैक 53. तो ये दो लैशेज हैं. एंड फाइनली पर्पल पे भी आपको पैक के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर ब्लश एवरीथिंग लाइक एवरी थिंग यू विल गेट देयर. सो या बाय कर सकते हैं. नेक्स्ट है मेरे पास पैक की यू नो लिप क्रीम एंड लिक्विड लिपस्टिक. तो ये पैक की रेट्रो मैट लिप ग्लॉस है और ये है मोल्टन पिंक ब्राइट पिंक कलर. आई थिंक ये हॉल थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. इट्स अ ब्राइट फुशिया पिंक कलर. ओके सो जिनको अच्छी लगती है पिंक कलर की लिपस्टिक वो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं. पैक का फॉर्मूला रेट्रो मैट का बहुत कंफर्टेबल बहुत अच्छा फॉर्मूला है. मेरी फेवरेट लिपस्टिक थी 09 शेड और रिसेंट में आई थिंक प्रिटी पिंक जो शेड है वो भी बहुत पसंद है. सो नेक्स्ट यहाँ पे है मेरे पास ये पैक की लिप क्रीम स्वीट सेंसेशन लिप क्रीम. इसमें मेरे पास आई गेस दो शेड हैं. आई एम नॉट श्योर. या दो शेड हैं यहाँ पे. एक ब्राउन टोन्ड है एक पिंक टोन्ड है. एक है शेड 17 एक है शेड 13. ये बिल्कुल मिस क्लेयर जैसी दिखती हैं. मैं आपको एक बार इनको दिखा देती हूँ. सो आप देख सकते हो ये बिल्कुल मिस क्लेयर जैसी दिखती हैं और बट मैंने अभी इन्हें ट्राई नहीं किया तो मैं फॉर्मूला नहीं बता सकती हूँ कि इनका फॉर्मूला कैसा है. बट या अच्छा ही होगा. लेट्स सी किसी ना किसी वीडियो में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा. जो है मेरे पास यहाँ पे है ये लॉरियल पेरिस की कैट आई पेन आई लाइनर. ओके दैट अगर आपको विंग बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके से इसको रख के अपना विंग बना सकते हो. तो इन्होंने काफ़ी हेल्प करी है जिनको दिक्कत होती है. मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे तो आपको विंग मिल जाएगा बहुत अच्छे से. और इट्स अ पेन फेल्ट पेन टिप लाइनर. ओके नेक्स्ट आई हैव दिस लॉरियल का वॉल्यूम मिलियन लैशेज मस्कारा इन द शेड ब्लैक. मैंने ऑलरेडी इसे ऑर्डर किया इन द शेड ब्लू जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था क्योंकि पर्पल पे अवेलेबल नहीं था. वो मैंने कहीं रखा है. वो बहुत ही प्यारा मस्कारा है. ये ऐसा नहीं है कि निकलता नहीं है या आप यू नो अच्छे से वॉश करोगे तो ईजिली निकल भी जाएगा बट पूरे दिन आपकी आईज पे रहेगा. आई थिंक आप समझ गए होंगे. जैसे कि मेबलिन के मस्काराज होते हैं उनको आप कितना भी रब कर लो वो निकलते नहीं हैं. समटाइम्स वो बड़े यू नो इरिटेटिंग हो जाते हैं निकालने के लिए क्योंकि आपको एक अच्छा ऑयल या मेकअप रिमूवर चाहिए होता है. बट इसमें ऐसा नहीं है और
ये बहुत अच्छी लेंथ एंड वॉल्यूम आपको देता है गाइस, बहुत अच्छी लेंथ एंड वॉल्यूम देता है, इसलिए मैं इसको ट्राई करना चाहती थी। तो या यहाँ मेरे पास मस्कारा काफी सारे हैं, मैं आपको बता देती हूँ पहले ही से। नेक्स्ट मेरे पास है ये फेसेस कैनेडा का आई शेडो। मेरे पास एक आई शेडो था वो टूट गया, तो मुझे एक चाहिए था क्योंकि मैं वन ब्रांड मेकअप लुक करती रहती हूँ। तो ये छोटू सा मैंने लिया है एंड काफी क्यूट सा है, छोटू सा है। सारे इसमें डार्क से लेकिन न्यूट्रल शेड जा रहे हैं। ये है मैग्नेट आईज आई शेडो पैलेट एवरीडे ड्रामेटिक आईज के लिए। या ओके, नेक्स्ट आई हैव ये फेसेस का कंसीलर, लिक्विड कंसीलर। दिस इज हाउ इट लुक्स, इट्स अ वेरी ब्राइट कलर। ओके, बहुत ज्यादा ही ब्राइट है सी, बट ये काफी थिक है, तो आई थिंक ये काफी अच्छे से यू नो टिका रहेगा। और ये मैट है तो कवरेज भी इसका बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, हाइलाइटिंग कंसीलर के लिए काफी अच्छा है। और ये है शेड बेब्स शेड लाइट 01 लाइट शेड है। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मोस्टली फिजिशियन फार्मूला के प्रोडक्ट्स गाइज। फिजिशियन फार्मूला मैंने सिर्फ या तो बाहर की वेबसाइट्स पे देखा या नायका पे देखा है, एंड वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जितना मिलानी आपको मिल जाएगा और लॉरियल के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे उसी रेंज में कुछ होता है। उसके कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बाहर के यूट्यूबर्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मेरे कुछ प्रोडक्ट अभी यू नो इन ट्रांजिट हैं, मतलब अभी तक आए नहीं है। बट मेरे को ये हॉल शेयर करना था ताकि आप जल्दी से इस हॉल को देखो, और अगर आपको कुछ बाय करना हो तो आप कर पाओ, अदरवाइज मैं दिवाली के बाद शेयर करती तो कोई सेंस नहीं बनता इस हॉल का, दैट्स वाई। सो यहाँ पे तो दो पहले प्रोडक्ट मेरे पास हैं, वो है ये ब्लू मस्कारा लैक्मे का। मुझे रिसेंटली ब्लू मस्कारा इतना ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने एक लॉरियल का मंगाया है, और एक ये है लैक्मे का। सो ये वाटर प्रूफ नहीं है, वॉशेबल है, सो ज़्यादा देर आपकी आइज पर टिकता नहीं है अगर पानी वगैरह लगे, बट ये बहुत ही ब्लू है, मतलब चटक ब्लू कलर है, आपके लैशेस पे बहुत पॉप करेगा अगर आप लगा के जाते हो तो। मैं रिसेंट में आप मिली थी लविष्का से, तो मैंने ब्लू कलर लगाया था एंड शी वाज सेइंग कि आपने ब्लू कलर का मस्कारा लगाया, मैंने कहा यस, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लू कलर मस्कारा, तो उसमें से ये है। एंड मैंने ये मेबलिन की मास्टर स्ट्रोब हाईलाइट स्टिक ली है। मेरे पास इसका लिक्विड वाला फॉर्म भी है, बट वो थोड़ा सा मुझे चंकी चौकी सा लगता है इसलिए मैं वो कम यूज़ करती हूँ, बट ये ऐसा नहीं है, और ये शेड 02 है। ओके, नेक्स्ट जो बहुत ही सुपर अमेजिंग प्रोडक्ट है मेरे लिए वो है ये शुगर का पावर क्ले बीबी कुशन फाउंडेशन गाइस। मैंने आज ये लगाया है, इट्स वेरी प्रिटी, मतलब कवरेज इसका इतना अच्छा है, आपको इतना ग्लोई जैसा बना देता है, और दिस इज हाउ इट लुक्स। ये कुछ इस तरीके से आता है आपका पफ, अब देखो आप, मैंने इसका पफ यूज़ किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको यूज़ करना। एंड आपको यहाँ पे एक कवर मिलेगा और आपका यहाँ पे शेड है, तो मेरा जो शेड है ये शेड है 20 गलाओ और गालो ऐसे करके शेड है, बट ये शेड मेरे लिए डार्क है। या मैं आपको बता दूं, मैंने इसके अंदर एक वाइटनर लिक्विड फाउंडेशन आता है जो कि एलए का और समथिंग कुछ का है, उसको मैंने इसके अंदर मिक्स किया तो वो बैलेंस कर देता है, अगर आपका डार्क फाउंडेशन है तो वो आपके स्किन टोन से मैच करवा देगा फाउंडेशन, क्योंकि वो वाइट इन कलर में है, तो अगर आपका आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए वो आप उसमें मिक्स करो, मिलाओ, वो फाउंडेशन आपकी स्किन टोन का हो जाएगा। तो वो मेरे पास था, मैंने इसमें मिक्स किया एंड देन इसे मैंने अपना शेड बना लिया है फाइनली, क्योंकि मैं इसे ख़राब नहीं कर सकती हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे ये फाउंडेशन। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा बीबी फाउंडेशन या बीबी कुशन फाउंडेशन है, मुझे पसंद आया पर्सनली, कवरेज चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं मेरे पास यहाँ पे। सबसे पहले है मेरे पास ये फिजिशियन फॉर्मूला का आई बूस्टर फाइबर एंड हाइलाइटर डुओ फेदर ब्राउ ब्राउ प्रोडक्ट है ये। सो इट्स अ 2-in-1 प्रोडक्ट, इस तरीके की पैकेजिंग के साथ आता है। मैंने ऐसा प्रोडक्ट अभी तक कभी ट्राई नहीं किया, अभी जो मेरे आईज पे आप देख रहे हो आईब्रो पे मैंने यही प्रोडक्ट लगाया है। वन साइड यू विल गेट हाइलाइटर इन अ स्टिक फॉर्म, और बिल्कुल चौकी नहीं है ये हाइलाइटर, आप इससे अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर सकते हो जो मैंने की हुई है, एंड अपने इनर कॉर्नर को आप हाईलाइट कर सकते हो। और उसके बाद जब आप इस सेकेंड साइड ओपन करते हो दिस साइड फेदर, तो आप देखोगे कि एक फेदर आपको निकल के आ रहा है, मतलब रोय जैसा कुछ आएगा और वो डार्क ब्राउन इन कलर में होगा, और वो फेदर आपके ब्राउज में फिल इन होता है, उस तरीके से ये फिल इन करता है, तो ये नेचुरल फेदर लुक देगा और कलर छोड़ेगा। इसको बंद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, फेदर है इसके अंदर, सो
इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था, बट या पर्सनली मुझे अच्छा लगा फर्स्ट टाइम यूज करके. तो आप देख सकते हो ब्राउज कितनी अच्छी से नेचुरली फिल्ड हुई है, बट काफी अच्छे से फिल हुई है. ओके नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे पास ये फिजिशियन फॉर्मूला का सेक्सी बूस्टर कैट आई कलेक्शन मस्कारा. ब्यूटीफुल पैकेजिंग गाइस, मतलब मैं इसे यूज भी ना करूँ इतनी खूबसूरत इसकी पैकेजिंग है. लेट मी शो यू, बहुत सुंदर पैकेजिंग है इसकी और ये बिल्कुल सही है कि सेक्सी पैकेजिंग कह सकते हैं. लुक एट दैट. और इसमें ये वेलवेट का टेक्सचर दिया हुआ है, इट्स ब्यूटीफुल. और यहाँ पे एक बो के साथ एक सैंडल का लोगो जैसा है, वेरी सेक्सी. बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इट्स 999 1000 रुपीज़ का ये मस्कारा है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया बट इसका पैकेजिंग इतना ज़्यादा प्यारा है कि मेरा दिल भी नहीं करेगा कि मैं इसे यूज़ करूँ. मैं पैकेजिंग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अट्रैक्ट करती है. मैं प्रोडक्ट को वैसे भी जज करती हूँ, अगर मुझे पैकेजिंग अच्छी लगती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट, वो अच्छा हो या ना हो ऐसा मेरे को अच्छा लगता है. नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा मस्कारा, ये है किलो कर्व मस्कारा. अगेन फिजिशियन फार्मूला का ये मस्कारा है एंड इसकी भी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, बट अब ये पैक्ड है. दिस इज हाउ इट लुक्स. ओके मैं इसको फिर भी आपको दिखा देती हूँ. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. सिल्वर कलर की बड़ी सी पैकेजिंग है और इसका वॉन्ड थोड़ा सा अलग है. आई थिंक ये आपके फुलर लुक के लिए बहुत अच्छा है. वो लेंथनिंग देगा, ये फुलर लुक देगा, दोनों में बहुत ही अलग अलग होता है. मस्कारा एक होगा बट उसके अगर वॉन्ड्स अलग हैं तो वो काम भी अलग करते हैं. नेक्स्ट आई हैव दिस लैश मिक्सोलॉजिस्ट मस्कारा. अगेन ये फिजिशियन फॉर्मूला का मस्कारा है. सो अगेन इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ये वॉल्यूम देने के लिए बहुत अच्छा है, वॉल्यूम एंड लेंथ. तो सो इट्स अ ट्विन वन आई गेस. ओके लेट मी ओपन दिस. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. लुक एट द पैकेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल. ओके या सो एक साइड आपको मिल रहा है लेंथ और दूसरी साइड आपको मिल रहा है वॉल्यूम. अमेजिंग, टू इन वन मस्कारा है. नेक्स्ट आई हैव दिस फिजिशियन फॉर्मूला पाउडर पैलेट, इट्स अ हाइलाइटर. एंड गाइस आई एम टेलिंग यू, इस तरीके से कुछ ये ओपन होता है. लुक एट दैट. किसको इसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं लगेगी, बहुत ही पर्ली है. इसके साथ आपको यहाँ पे ब्रश एंड एक फुल साइज का मिरर मिलता है. लेट्स सी, हम लगा के देखते हैं. वो कैन सी, ये बहुत ही सुंदर हाइलाइटर है. नेक्स्ट आई हैव दिस. नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे पास ये फिजिशियन फॉर्मूला की लिक्विड लिपस्टिक, इट्स अ क्रीम लिक्विड लिपस्टिक. सो अभी ये भी पैक्ड है, मतलब मेरे को जैसे चीज़ें रिसीव हो गई मैं वैसे ये हॉल बनाने बैठ गई थी तो मैंने चीज़ों को ओपन ही नहीं किया. तो इसकी पैकेजिंग बहुत ही लग्जूरियस है एंड इट्स वेरी थिक एंड इट्स ब्यूटिफुल न्यूड शेड. इट्स अ ब्यूटिफुल न्यूड शेड. तो न्यूड लिपस्टिक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए लिया. नेक्स्ट यहाँ पे है मेरे पास ये फिजिशियन फॉर्मूला का ऑर्गेनिक वेयर रोज ऑयल लिप पॉलिश. सो मतलब ये आपका लिप बाम का भी काम करेगा, लिप स्क्रब का भी काम करेगा. मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से. सो इसके साथ आपको यहाँ पे स्पैचुला काइंड ऑफ थिंग भी मिल रहा है जिससे कि आप प्रोडक्ट लोगे. रोज गोल्ड इसकी पैकेजिंग है, पैकेजिंग इज जस्ट डाई हॉट. ओके सो आप इस तरीके से थोड़ा सा प्रोडक्ट लोगे एंड सिंपली आपको अपने लिप्स पे अप्लाई करना है एंड स्क्रब करना है एंड देन वाइप ऑफ. तो ये आपको मॉइस्चराइज भी करेगा आपके लिप्स पे एंड डेड सेल्स जो भी होंगे और फ्लेकी स्किन जो होती है लिप्स की वो सब रिमूव कर देगा. सो अगेन ये बहुत अच्छा लिप केयर प्रोडक्ट है, पैकेजिंग इज जस्ट ब्यूटिफुल, मुझे बहुत अच्छी लगी. नेक्स्ट एंड जो लास्ट प्रोडक्ट है मेरे पास वो है ये लॉरियल का बेस मजीक ट्रांसफॉर्मिंग स्मूदिंग प्राइमर. 15 ml है इसका प्रोडक्ट. गाइस मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मेरे पास ये प्राइमर हो क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं इस प्राइमर के. दिस इज आउट लुक्स आउटर बॉक्स पैकेजिंग एंड ये एक मूस काइंड ऑफ पैकेजिंग में, मतलब मूस काइंड ऑफ फॉर्मूला है. लाइट बेबी पिंक कलर है, पिंक बहुत सुंदर, पिंक बहुत सुंदर, कलर बहुत सुंदर है इसका. एंड ये एक मैटिफाइंग प्राइमर है. क्या इट्स अ मैटिफाइंग प्राइमर और लिटरली ये आपके पोर्स को, आपकी स्किन को बहुत स्मूथ कर देगा. मतलब कोई ब्लरनेस या फिर कोई पोर्स ही नहीं दिखाई देंगे, इतना ये स्मूथ कर देगा.
बहुत ही अमेजिंग है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं जल्दी से इसे यूज़ करूँ. ओके सो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी इस हॉल में एंड आई होप आपको ये हॉल पसंद आएगा. ये हॉल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.